इंदौर में दोहरी हत्याकांड की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां बुजुर्ग पिता और उनकी बेटी की निर्मम हत्या की गई है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक बुजुर्ग के बेटे पर डबल मर्डर करने की शंका जताई जा रही। सनसनीखेज दोहरी हत्याकांड की घटना संयुक्तागंज थाना क्षेत्र की IDA बिल्डिंग की है। 76 वर्षीय कमल किशोर धामंदी और 53 वर्षीय बेटी रमा अरोरा की घर में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। घटना का पता तब चला जब मकान से बदबू आना शुरू हुई। तब आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मकान का गेट तोड़ा और अंदर गए तो कमरे में कमल किशोर धामंती और रमा अरोरा का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। डेड बॉडी मिली हुई है, शव का पंचनामा कराया जा रहा है। अभी जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हार्ड एंड ब्रट किसी ऑब्जेक्ट से सिर पे चोट पहुंचाई गई है। लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडियाँ लग रही हैं। जो इनके परिजन हैं, छोटे दामाद हैं, उनसे जो बातचीत हुई है उससे संदेह के बतौर इनका जो लड़का है जो सैनिया का पेशेंट बताया जा रहा है, जिसके पहले रिहेबिलिटेशन सेंटर पर भी था, उसको संदेह जाहिर किया जा रहा है। और ऐसा कुछ घटनास्थल को देखने में लगता है कि कोई ना कोई नज़दीकी व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना कायद की गई है। जल्दी ही वजह से वो सारे साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं और कुछ साक्ष्य मिले भी हैं। तो जल्दी आरोपी तक पुलिस पहुंची। वो थोड़ा सा फैला हुआ घटना स्थल है, लगभग 2 कमरे उसमें इस्तेमाल हुए हैं घटना में। एक तो सबसे पहले जो एंट्री वाला जो लाइट है उस पर कुछ पैटर्न दिख रहे हैं, ब्लड स्टेन के पैटर्न दिख रहे हैं। तो उसके बाद कुछ अंदर वाले कमरे भी दिख रहे हैं। इस प्रकार से घटना स्थल लगभग 2 इस्तेमाल हुए। किस तरह का प्रोफाइल है? अभी मृतक का प्रोफाइल उम्र दराज है। एक तो सबसे बड़ी बेटी है और वो पिता है, और लगभग पिताजी तो होंगे 60+ होंगे और जो बड़ी बेटी है वो भी लगभग 50-55 के लगभग। हम सारे एंगल से इसकी विवेचना कर रहे हैं और लड़के के बारे में उसकी प्रोफाइल पता की गई है, वो भी अभी यहाँ पर। कमल किशोर नाम है फादर का, लड़की है रमा अरोरा। इनका डिवोर्स हो गया था, ऐसे अभी जो छोटी छोटी जानकारी मिली हुई है। और ये अपने फादर के साथ लड़के का नाम बता पुलिंद। अभी जो उनके एक रिश्तेदार ने बताया, ये बताया कि सिजोफेनिया का पेशेंट था, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी था, कुछ मेडिसिन भी चल रही थी। अविवाहित है, 43-45 ईयर्स ओल्ड है। तो वो सारे एंगल से हम विवेचना कर रहे हैं। जल्दी आरोपी तक पुलिस पहुँची, वीडियो भी आना जाना था और ज़्यादातर समय अपने फादर साहब के साथ। अभी जो हमारी FSL जो टीम है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 2 दिन पुरानी है। बाकी हमारे पास जो एविडेंस मिल रहे हैं उससे भी लगभग क्लियर हो रहा है कि लगभग 2 दिन पुरानी वो घटना है। नहीं, बिल्कुल कॉलिंग की गई है और उसके पश्चात ही उनके रिश्तेदार आए हैं कि क्यों कुछ फोन रिसीव नहीं हो रहा है, और उन्हीं के द्वारा सूचना भी दी गई है। कॉन्टैक्ट में थे पुलिस और अक्सर आते जाते भी थे। अभी लगभग सोमवार तक इन लोगों की बात भी हुई है, की जा रही है। अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन अभी यही लगता है कि मेंटल सिकनेस थी लड़के में और अक्सर ऐसी विवाद की स्थितियाँ बनती थी। अभी तक की बातों से यही पता लगा, वो सारी चीज़ें पता की जा रही हैं। चूँकि किसी प्रकार का नशा तो नहीं करता था, आखिर क्या स्थितियाँ थी, क्यों रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा गया था, वो सारी विवेचना की हमने, और उन सभी चीज़ों से ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा किस कारण से घटना घटी। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।